अल्मोड़ा नगरवासियों को पानी की कमी न हो इसके लिए कोसी नदी में प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से रामप्रसाद टमटा बैराज बना गया है, लेकिन इसके बाद भी नगरवासियों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। हर साल बरसात के मौसम में गाज जमा होने से लोगों के नालों में गंदा पानी आ जाता है। इसके बावजूद भी जल संस्थान नहीं जागता है, जिसकी वजह से आज जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य तो छोड़िए वो नहाने योग्य भी नहीं है, जिसको लेकर नगरवासियों में जल संस्थान के प्रति भारी आक्रोश है। वहीं नगरवासियों ने बताया कि एक हफ्ते तक पानी नहीं मिल पा रहा, और अगर मिल भी रहा है तो वो इतना गंदा आ रहा है कि वो ना पीने लायक है और ना नहाने लायक जो है, और सप्लाई भी पूरी नहीं हो पा रही है। दो या तीन दिन में एक बार आ रहा है, वो भी बहुत गंदा पानी, मटवाला पानी आ रहा है, जिसमें बदबू आ रही है पानी में, उसमें पीने में। हो सकता है फिल्टर पानी वहाँ पर नहीं हो पा रहा हो जल संस्थान की वजह से, इसलिए जो है कि सिलेंडर आने की वजह से भी हो सकता है, लेकिन लगातार जो पानी गंदा ही आ रहा है। वहीं नगर की महिलाओं ने कहा कि जल संस्थान से उनके द्वारा दो दो नक्शा लगाए गए हैं, पर उनको अब गंदा पानी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाल रंग के गंदे रेस उनके नल में आ रहे हैं, जिससे वो परेशान हैं। अभी तो दो दो तीन तीन दिन छोड़ के आ रहा है, फिर इतना गंदा आ रहा है, उनसे कहो तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है ने? फिर दो दो तीन तीन बार कनेक्शन लगाओ, गए नया कनेक्शन लगाओ, नया कनेक्शन लगाओ, कभी वही हाल है, टाइम पर कभी पानी आता नहीं है। कैसा पानी पी रहे हैं? पानी उसी को पीते हैं, उसी को फिल्टर करके बॉइल करके पीते हैं। अभी पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, पानी मैला आ रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा शहर के 13 वार्डों सहित आसपास के करीब 60,000 लोगों को पेयजल पूर्ति के लिए 14 MLD पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया। ये बैराज लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।